वैशाली दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं एसकेएम सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस लोनावड़ा महाराष्ट्र में। दीदी ने इस कंटेंट का फर्स्ट एफडीपी 2017 में किया और उसके बाद में दीदी इस कंटेंट को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रही है। और उसके साथ में दीदी यूएचवी के वॉलेंटियरिंग एक्टिविटी में भी दीदी का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। तो दीदी ओवर टू यू। नमस्ते भैया, जी नमस्ते। नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते यशवंत भैया, नमस्ते टू ऑल माय को एक्सप्लोरर। मैं वैशाली लद्दे, मैं 2011 से एसकेएम सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट में लोनावड़ा में कार्यरत हूँ। वहाँ पे मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री विषय पढ़ा रही हूँ और मुझे 9 साल का साइंस कॉलेज का भी एक्सपीरियंस है। अगर मैं मेरे परिवार के बारे में बात करती हूँ तो मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मैं, मेरे पति और 2 बेटियाँ। मेरे पति इंजीनियर हैं और वो फोर्जिंग कंपनी में कार्यरत हैं। मेरी बड़ी बेटी एमकॉम करके EY JDS में बेंगलोर में कार्यरत हैं और मेरी छोटी बेटी अभी 12वीं साइंस में कक्षा में पढ़ रही है। इन सबके साथ सही समझ और सही भाव के साथ जीने के लिए मुझे मेरी UHV फैमिली का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। मुझे सबसे पहले मध्यस्थ दर्शन के FDP में सहभागी होने का मौका मिला था 2017 में और उसके बाद मैंने 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन के UHV FDP किए हैं और मैंने दीक्षारंभ का भी प्रोग्राम अटेंड किया था। तो इसी तरह मैं UHV कंटेंट से जुड़ी हूँ और लगातार मैं 2020 से जो भी वेनसडे फ्राइडे के UHV सेशंस रहते थे उनमें भी उनके साथ भी जुड़ पा रही हूँ। और मैं जो मॉर्निंग सेशन रहते हैं उनके उसको भी अटेंड करती हूँ। तो ऐसा मेरा UHV के साथ जुड़ना रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबको, मेरा थोड़ा आवाज ये हो गया है, आपको सबको मेरा ये थोड़ा बेयर करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। और ये जो मॉर्निंग सेशंस है, मॉर्निंग सेशन के जो भी सत्र है मैं कंटेंट डिलीवर होता है उससे स्वयं के अंदर चल रही विचारों को और भावों को मैं देख पाती हूँ। जैसे मैं UHV में जुड़ने से पहले हर एक बात में मुझे सही लगता था और वही सही है और वही होना चाहिए, ऐसे मेरे भाव चलते थे। पर अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि हमें दूसरों के भी भाव समझने चाहिए और उनके भावों को समझ के हमें कार्य करना है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी मेरा रिएक्शन रहता था वो अभी रिस्पॉन्स में परिवर्तित हुआ है और मेरे जो भी काम बिगड़ते थे तो वो भी अभी सही सही हो पा रहे हैं। अभी मैं देख पाती हूँ कि मेरा सहजता समझने की ज्यादा और नहीं बढ़ी है पर दूसरों की कम है तो मुझे उसे समझना है और ऐसे करने से मेरी बातें बहुत अच्छे से उनको समझ आती है और परिवार में ज्यादा झगड़े नहीं होते हैं। पहले कॉलेज से घर आते ही मैं काम क्या करना है पूरा लिस्ट बना के रखती थी और काम से जुड़ी जाती थी। फिर मेरी बात मेरी बेटियों से ज्यादा नहीं होती थी और ऐसे होता था कि बेटियां भी मेरे से फिर ज्यादा शेयरिंग नहीं करती थी और उस उम्र में उनकी ज्यादा शेयरिंग होनी चाहिए थे चाहिए रहती थी तो मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही थी। पर अभी मैं ये देख पाती हूँ कि उनके साथ मुझे
बात करनी है। तो मैं अभी कॉलेज से आती ही, मेरी अभी छोटी बेटी बेटी घर पे रहती है, क्योंकि बड़ी बेटी तो उसका जॉब के लिए बेंगलोर में कार्यरत है। तो मैं घर आते ही मेरी छोटी बेटी को दिन भर में उसने क्या 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 किया, उसको बस टाइम पे मिला या नहीं, उसने खाना खाया क्या नहीं, और कॉलेज में क्या क्या हुआ, इसके बारे में पूछती हूँ। तो अभी वो मेरे से खुलकर बातें करने लगी है। तो वो मैं उसके फ्रेंड के साथ जो व्यवहार होते हैं उसके बारे में मैं मेरे से बात करती है। तो मैं उसको भी ये समझा पा रही हूँ कि उसको उसके फ्रेंड के साथ कैसे समझना है। और पहले वो क्या करती थी कि एक दो उसके जो क्लासमेट्स हैं उनसे ही बात करती थी और बाकी किसी के साथ बिल्कुल बात नहीं करती थी। तो अभी वो सबके साथ बात कर रही है, तो वहां पे भी मीन्स कॉलेज में भी उसका जीना सही हो पा रहा है। तो मैं मेरे साथ उसका उसकी भी समझ थोड़ी थोड़ी बढ़ा रही हूँ। मुझे ये भी लगता है कि अभी तो जो भी मेरी समझ बढ़ रही है, अगर वो पहले से रहती तो शायद मैं और मेरे परिवार में जो भी परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ वो इससे बहुत बढ़िया रहता। और जो भी बातें मेरे ना समझी की वजह से हो रही थी मेरे पति के साथ, वो भी बहुत अच्छे से हो पाती थी और हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाता था। अभी मेरे सास ससुर नहीं रहे हैं, पर वो सालों में एक दो बार हमारे यहाँ आते थे, तो मुझे लगता था कि उनके लिए खाना बनाना ही मेरा काम है। और उनके भावों को मैं समझ नहीं पाती थी, सिर्फ वो व्यवहार देखती थी, संबंधों को नहीं समझ पाती थी। पर अभी ये कंटेंट सुनने की वजह से मुझ में ये समझ आ रही है कि उस टाइम पे मुझे उनके साथ उनके भावों को भी समझना चाहिए था। मैंने कभी मेरी सास को नहलाया नहीं, तो इसका मुझे बहुत बुरा लगता है। उनके उन वो मेरे शादी के पहले से पैरालाइज थी, और पर वो खुद का काम खुद कर पाती थी। पर मैंने उनको मैं जब भी घर आती थी कॉलेज से, वो दिन भर घर में अकेली रहती थी और हमें उनको लॉक करके जाना पड़ता था। पर हम लोग आते ही हमारे काम में जुड़ जाते थे, हम नहीं देख पा रहे थे कि उनको हमें घुमाने लेने ले जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हम सिर्फ काम करते थे, खाना उनको देते थे और फिर हमारे काम दिन भर के और दूसरे दिन के लिए सोचते थे। तो अभी मुझे ये लगता है कि उस टाइम पे हमें उनसे बहुत बातें करनी चाहिए थी, पर अभी वो बात नहीं हो पा रही है। पर अभी जो भी व्यवहार है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें कैसी समझ हम ला सकते हैं, उसके बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ। और सो अभी जो भी मेरे व्यवहार दूसरों के साथ रहते हैं, तो वो सही समझ के साथ में करना करने के लिए बहुत प्रयत्न करती हूँ। इससे मेरा भाव सहज होता है और मेरे व्यवहार दूसरों के साथ सहजता से होते हैं। मैं सुखद भाव में भाव महसूस करती हूँ और संगीत में रहती हूँ। वैसे मैं पहले पहले से ही बहुत छोटी छोटी बातों में आनंद महसूस करती थी। जैसे अगर मैंने कोई कुछ एक पौधा लगाया हो और उसको कलियां आ गई, उसको फूल आ गया, तो मैं बहुत आनंद महसूस करती थी। मुझ में इतना भी समझ नहीं बन पाई है कि मैं निरंतर सुख में रह पाऊँ, पर मैं ये ध्यान दे पा रही हूँ कि मुझे कौन से भाव रखने है, ताकि मेरा परिवार और मेरे कार्यस्थल में सहज और सुखद भाव बने रहे। मैं संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व को देख पा रही हूँ, मेरे भाव बनाए रख पा रही हूँ। जैसे हम अगर कॉलेज से छुट्टी लेते हैं, और अगर हमारा छुट्टी कैंसल हो जाता है या वो सैंक्शन नहीं होता है, तो हमारे भाव बिगड़ जाते हैं और हम थोड़ा गुस्सा करते हैं। तो यही हम पर वो अभी मैं देख पा रही हूँ कि वो उनकी समझ है, तो हमें वो मीन्स उसका भी मैं इतना बुरा नहीं मानती हूँ। पर अगर मेरी मेड अगर कुछ छुट्टी लेती है
तो मैं मेरे भाव जैसे आते हैं, अगर मेरी छुट्टी कैंसिल होती है तो मैं वही भाव उसके साथ भी देख पा रही हूँ कि इसको तो कुछ छुट्टियां में से कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो हमें उसको समझना है। तो मैं उसके उसको समझ पा रही हूँ, और उसका जो भी छुट्टी रहता है तो मैं कभी उसको उसका जो भी महीने का पैसा रहता है वो मैं कट नहीं करती हूँ। तो ये मेरी समझ की भाव की वजह से हो रहा है। और मैं जो भी उसके साथ व्यवहार करती हूँ, कभी कभी वो एकदम से गुस्सा हो जाती है कि लेट आ गए, तो मैं पूछती हूँ कि आज क्यों लेट हो गया, तो बोलती है आंटी इतना तो कभी तो होगा, दूसरी जगह पे भी बहुत काम रहता है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उसकी भी कुछ भावना है, उसकी भी कुछ कार्य है, तो उसमें हमें उसको समझना चाहिए। तो ये मैं संबंध व्यवस्था और सहजत्व में समझ पा रही हूँ, और मेरे खुद के सहज भाव और समझ बढ़ा रही हूँ, और उससे मेरा निरंतर सुख का प्रयोजन हो रहा है। हम नेचर के प्रकृति के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो मैं जैसे घर में कोई पानी या लाइट वेस्ट कर रहा है तो उसको मैं थोड़ा पहले तो गुस्से से बात करती थी, पर अभी उसकी वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं, और हमें इसके लिए कैसी समझ बढ़ानी है, तो इसके बारे में बात करती हूँ। तो अभी वो लोग भी थोड़ी थोड़ी करके उसके लिए काम कर रहे हैं। और स्वयं में समझ बढ़ा रहे हैं। अगर मैं मेरी जिम्मेदारी के बारे में बात करूं, तो मैं हमारे कॉलेज में UHV के सेशंस को कंडक्ट कर रही हूं, मींस जो SIP प्रोग्राम है उसका कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हूं, और UHV के रजिस्ट्रेशन में भी सहभागी रहती हूं। मैं दिन भर में मेरे व्यवहार जैसे सही भाव और सही व्यवहार को देखने की कोशिश करती हूँ। कहीं पर भी मेरा भाव बदलने लगता है तो मैं UHV कंटेंट मुझे मदद करता है। इसके लिए मैं कुमार भैया, उमेश भैया, यशवंत भैया, शर्मिला दीदी, सुनील कुमार भैया, गणेश जी को धन्यवाद देती हूँ। और मैं यही प्रयत्न करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम UHV कंटेंट को और एक्सप्लोर करने के लिए और मेरे में सहज भाव और सहज व्यवहार लाने के लिए का प्रयत्न करूंगी और करती रहूंगी। तो ये मेरा शेयरिंग था भैया जी। दीदी धन्यवाद। दीदी अभ्यास 1 और 2 के बारे में कुछ बात आप रखना चाहते हो? हाँ, अभ्यास 1 और 2 के बारे में जैसे संबंध व्यवहार और सहअस्तित्व जो है, तो मैंने बताया एग्जाम्पल कि मैं जो भी हमारे परिवार में है मेरे परिवार के सदस्य, तो उनके साथ जो भी संबंध है उसको देख पा रही हूँ, और उनके मीन्स घर में भी सही समझ बढ़ाने की और सही भाव लाने की कोशिश कर रही हूँ, जी और सहअस्तित्व। हाँ यस भैया। नहीं, हाँ जी, हाँ दीदी कंटिन्यू। और मैं इस सहअस्तित्व को भी देख पा रही हूँ कि हमें परिवार में कैसे अच्छे भाव लाने के लिए प्रयत्न करने हैं और दूसरों की भी समझ बढ़ानी है। हाँ यस भैया। जी दीदी धन्यवाद। जी भैया, दोनों ही शेयरिंग बहुत अच्छी रही, और दोनों ही शेयरिंग मैं कहूंगा कुछ अलग प्रकार से रही, और ध्यान आकर्षण के हिसाब से काफी अच्छी रही। वैशाली दीदी ने जिस तरह से भाव प्रधान ढंग से पूरी बात शेयर की, जैसे पास में उनके द्वारा हुई गलतियों चूकों पर ध्यान गया, और
कैसे उन्होंने अपने जीने में परिवर्तन लाया है, कैसे वो संवाद को आगे बढ़ा रही हैं, कैसे अपना मूल्यांकन सटीकता से कर रही हैं और इतनी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ उन्होंने पूरे ग्रुप के साथ शेयर किया, प्रशंसनीय है। और ये भी कहना कि है ना, जैसे सास के साथ जो व्यवहार में चूके हुई, बेटी के साथ संवाद जिस तरह से आगे बढ़ा, ये जो सारे साथी जुड़े हैं हमारे, उनके लिए भी ध्यान आकर्षण के बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेथ्री के सेशन को अटेंड करते हुए इतना कम समय में इतना सारा परिवर्तन आया है, इतने सारे मुद्दों पर ध्यान दिया है, तो ये भी मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी बात रही जी। थोड़ा सा सत्र के समय मैं कुछ और गतिविधि भी कर रहा था साथ में, तो जुड़ने में थोड़ा समय लगा। और जो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई वैशाली दीदी को। अभ्यास एक और दो पे आप नहीं बात रख पाए, मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान से करें। अगले सेशन में तो आप जुड़ेंगे दीदी? यस भैया जी, तो अभ्यास एक और दो पे आप नहीं अभी बात रख पाए, स्टेप वाइज जो ऑब्जर्वेशन करना था वो अभी शेष है, उसको आप और अगर विधिवत करेंगी तो और परिमार्जन दिखाई देगा। अभी हमारा ध्यान जो हमारे व्यवहार में, विचार में, कार्य में जो चूके हुए उस पे गया है, परंतु उसके मूल में जो संस्कारों में परिमार्जन होना है उस पे और बारीकी से ध्यान जाएगा।